भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को लेकर जो फैसला लिया है उसे आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि यह पहल बेहद खास है। दरअसल अब रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में या फिर स्टेशन पर बीमार होने की स्थिति में रेलवे आपके साथ क्या करने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे और यही बताएंगे कि भारतीय रेलवे की ये नई पहल लोगों के कितना काम आने वाली है। दरअसल मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे अपनी यात्री सेवाओं को विस्तार देने में प्रयासरत है। यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेन की गति, कोच के डिजाइन और खान पान के बाद अब रेलवे यात्रियों को संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था यानी कि कंप्लीट मेडिकल फैसिलिटीज भी मुहैया कराने जा रही है। अब देश के बड़े रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को फ्री में पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करते वक्त सर्दी, जुकाम, बुखार, डिहाइड्रेशन जैसे बीमारी के साथ साथ अन्य आपात सुविधा, महिलाओं की डिलीवरी और हार्ट अटैक जैसी स्थिति से भी निपटने की व्यवस्था पूरी तरीके से लैस होगी। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अब क्रिटिकल केयर यूनिट की तैनाती होगी। बता दें कि पिछले दिनों ही रेलवे ने फैसला किया था कि यात्रियों को प्रारंभिक नहीं बल्कि संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक ट्रेनों में सिर्फ प्राथमिक उपचार का ही प्रावधान था, लेकिन रेलवे ने ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की एक टीम की अनुशंसा के बाद उठाया। सांसदों की एक समिति ने भी इसको लेकर अनुशंसा जारी की थी। आने वाले दिनों में रेल मंत्रालय ने सभी स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में जीवन रक्षक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, सिलैस उपकरण रखने का आदेश जारी कर दिया है। पिछले कुछ सालों से पटरी से लेकर ट्रेन के भीतर तक यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे, लेकिन दिल्ली से सटे साहिबाबाद की एक घटना के बाद रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ये भी जान लीजिए कि पिछले दिनों दिल्ली से सटे साहिबाबाद स्टेशन पर एक गर्भवती महिला को उचित समय पर स्वास्थ्य संबंधित सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई। हालांकि यात्रियों की मदद से महिला ने बेटी को जन्म दिया। इस तरह की कई घटनाओं ने रेलवे को ट्रेनों और स्टेशनों पर संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था शुरू करने को मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और डॉक्टरों की एक टीम की सिफारिश के बाद अब ट्रेन के भीतर स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने पर रेलवे प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जाएंगे। अभी ट्रेन में किसी भी यात्री को अगर स्वास्थ्य से जुड़ी या फिर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो रेलवे स्टेशन के डॉक्टर यात्री की खराब स्थिति होने पर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर अस्पताल भेज देते हैं। आपात स्थिति के दौरान यात्री से किसी प्रकार का खर्च नहीं लिया जाता है, लेकिन ट्रेन में यात्रा करते वक्त इस तरह के नियम सिर्फ किताबी नियम बनकर रह जाते हैं। हकीकत में रेलवे स्टेशनों पर डॉक्टरों की टीम नहीं होती है, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इन्हीं समस्याओं पर विचार करते हुए बड़ी पहल शुरू कर दी है और अब ये तय हो गया है कि बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रा के दौरान यदि ट्रेन में आपकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर स्टेशन पर ही आप असहज महसूस करने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका संपूर्ण चिकित्सीय उपचार रेलवे की तरफ से मुफ्त में कराया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। भारतीय रेलवे की यह पहल कितना काम करती है ये वक्त बताएगा और इस पहल पर कितना अमल हो पाता है ये भी समय बताएगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।